व्यूअर्स, वेलकम टू फिन स्ट्रीट। अगर आप भी जानना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड की उन रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट्स के बारे में जो नई नई चीजें, नई नई सर्विसेज लेकर आ रहे हैं क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में, तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जो क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में नई सर्विसेज लेके आ रहा है इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स और बिल्डर्स के लिए, और नए नए ऑप्शंस लेके आ रहा है कि कैसे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स जो है वो अपना पैसा और अपनी इन्वेस्टमेंट को ज्यादा अच्छे से रिटर्न्स दिलवा सकते हैं, और बिल्डर्स के लिए भी काफी अच्छे अच्छे ऑप्शंस लेकर आ रहा है ये मार्केट में। तो अगर आप इन सबके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैलेंसर के बारे में। बैलेंसर जो कि लास्ट ईयर का वन ऑफ द टॉप डीफाई कॉइन रहा, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की स्पेस में ये वन ऑफ द टॉप कॉइन्स था। ये एक ऐसा गवर्नेंस टोकन है बैलेंसर का, बैल, जो काफी तेजी से बढ़ गया और काफी ज्यादा अट्रैक्शन भी इसने कमा ली पिछले एक साल के अंदर अंदर। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि बैलेंसर क्या है और ये गवर्नेंस टोकन बैल की क्या बात हो रही है, और कैसे आप इस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा तेजी से अपने इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न पा सकते हैं, तो इस वीडियो को देखते रहिए। पहले हम आपको बताते हैं कि कैसे बैलेंसर जो है वो ट्रेडर्स के लिए काफी फायदेमंद का ऑप्शन है, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है डिसेंट्रलाइज्ड ट्रेड्स, और वो भी एकदम ऑप्टिमल प्राइसेस पे। इसमें इंटेलिजेंट प्राइसिंग का ऑप्शन है, इसमें MEV प्रोटेक्शन है, और यहाँ पे गैस फीस को भी ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, और गैस फीस में सब्सिडीज भी अवेलेबल है ट्रेडर्स के लिए। अगर हम बात करें कि ये प्रोजेक्ट बिल्डर्स के लिए कैसे फायदेमंद होगा, ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जहां पे प्रोग्रामेबल लिक्विडिटी पॉसिबल है, जो कि एक बहुत ही नई चीज के लेकर आया है मार्केट में, तो बिल्डर्स के लिए भी ये काफी फायदेमंद ऑप्शन है, और इन्वेस्टर्स के लिए तो ये एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाने का ऑप्शन देता है जो जनरेट करता है एक कांस्टेंट यील्ड और रीबैलेंस भी कर देता है अपने पोर्टफोलियो को ऑटोमेटिकली। इसमें ऐसे बैटल टेस्टेड और सिक्योर फीचर्स पॉसिबल है, यहाँ पे कैपिटल और गैस एफिशिएंसी के साथ जो काम करते हैं और अर्न करवाते हैं आपको BAL यानी कि बैल टोकन्स, वो भी अलग अलग इंसेंटिव्स के साथ। और अपने कंपेटिटर्स कंपाउंड और आवे की तरह ये एक लेंडिंग प्रोटोकॉल नहीं है, लेकिन एक काइंड ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज यानी कि डेक्स है, और एक ऑटोमेटिक मार्केट मेकर है यानी कि AMM और डेक्स है बैलेंसर। लेकिन अब हम उस पार्ट पे आते हैं जो सबसे इंटरेस्टिंग है और जिसमें सबसे ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे कि कैसे आप अर्न कर सकते हैं मनी यूजिंग बैलेंसर। इसमें आप पैसा अर्न कर सकते हैं यूजिंग इट्स फीचर जिसका नाम है बैल की लिक्विडिटी माइनिंग, यानी कि मेकिंग मनी विद बैलेंसर। और ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको अपनी होल्ड की हुई ERC20 टोकन्स जो है वो यहाँ पे डिपॉजिट करने होंगे। अगर आपको नहीं पता ERC20 टोकन्स क्या है तो हम बताते हैं कि ERC20 टोकन्स जो है वो ब्लॉकचेन बेस्ड एसेट्स होते हैं जिनकी काफी अच्छी वैल्यू होती है, और जो भेजे जा सकते हैं, रिसीव किए जा सकते हैं या स्टोर किए जा सकते हैं यूजिंग एन इथेरियम एड्रेस, वो होते हैं ERC20 टोकन्स। और जितने भी आपके पास ERC20 टोकन्स हैं उनको आप बैलेंसर में जो है वो होल्ड करके डिपॉजिट कर सकते हैं इन वन ऑफ द मेनी पूल्स जो यहाँ पे अवेलेबल है, और इनके प्लेटफॉर्म की लिक्विडिटी के लिए आप यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इन ERC20 टोकन्स को डिपॉजिट करते हुए। और एज अ बोनस आपको यहाँ पे रिटर्न में दिए जाते हैं बैल टोकन्स, वो भी प्रोराटा बेसिस पे एक फिक्स्ड फीस के बाद। और इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है बैल लिक्विडिटी माइनिंग या यील्ड फार्मिंग, और इसमें आपको मिलती है एनुअल परसेंटेज यील्ड यानी कि APY, जो कि एक बहुत ही अच्छा मेजर है, जो कि एक तरीका है कि कैसे आप अपने पैसे को, अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रो होते हुए जो है वो मेजर कर सकते हैं ऑन योर डिपॉजिट्स। बैलेंसर का जो सेटअप है वो काफी इजी है यूज करना, एक डिसेंट्रलाइज्ड साइट के जैसे। आपको बस अपना मेटामास्क का वॉलेट जो है वो pools.balancer.exchange पे कनेक्ट करना होगा इनकी वेबसाइट पे, और आप अलग अलग पूल्स में से चूज कर सकते हैं कि आप किस पूल पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और फिर आपकी जो अर्निंग्स है बैल टोकन्स में वो जो है शुरू हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं इनकी वेबसाइट पे और जानते हैं इनके प्लेटफॉर्म और पोर्टल पे कि कैसे हम इनकी वेबसाइट को यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं बैलेंसर के पोर्टल पे। सबसे पहले आप गूगल पे जाइए और आप सर्च कीजिए बैलेंसर, और जैसे ही आप बैलेंसर सर्च कर लेंगे आपके पास काफ़ी ऑप्शंस आएंगे चूज करने के लिए, लेकिन आपको जाना है https://balancer.fi, और आप एक बार दोबारा चेक कर लीजिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, आपको चेक करना चाहिए कि आपने जो लॉगिन किया है उसका लिंक सही है या नहीं। तो balancer.fi पे हमें जाना है, यहाँ पे आपको सब बैलेंस की डिटेल्स पता चल जाएंगी कि कैसे ये इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स और बिल्डर्स के लिए जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल है। आपको रिव्यूज मिल जाएंगे यहाँ पे और आपको इनकी कम्युनिटीज़ के बारे में पता चल जाएगा, आप यहाँ पे क्लिक करके इनसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि आप बैलेंसर को यूज़ कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप टॉप राइट
साइट पे देखेंगे आपको लॉन्च ऐप का ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे ही लॉन्च ऐप पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट का एक साइन मिल जाएगा। यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करिए और अपना मेटामास्क जो आपको कनेक्ट करना है यहाँ पे, आपके पास अगर क्रोम में एक्सटेंशन है तो काफी इजी हो जाएगा आपके लिए। आप जैसे ही मेटामास्क पे क्लिक करेंगे तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा मेटामास्क का वॉलेट जो है वो यहाँ कनेक्ट हो चुका है। और अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से इन्वेस्टमेंट पूल्स जो है बैलेंसर में अवेलेबल है। यहाँ पे आपको दिख रहा है डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स ERC20 टोकन जो है वो यहाँ पे उनके पूल्स बन रखे हैं। आपको यहाँ पे उनकी पूल वैल्यू पता चल जाएगी, इसका लास्ट 24 आवर्स में क्या वॉल्यूम रहा और क्या APR रही। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि और कौन कौन से पूल्स हैं तो यहाँ पे आपको सबसे बॉटम लेफ्ट साइड एक्सप्लोर V1 पूल्स जो है वो पता चल जाएगा। वहाँ पे क्लिक कीजिए और आपको एक नई साइट पर ये ले जाएगा जो है pools.balancer.exchange। और यहाँ पे आपको इनके version 1 के सभी पूल्स की डिटेल्स मिल जाएंगी। यहाँ पे आप उन सभी डिटेल्स को देख सकते हैं, स्वैप फीस देख सकते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन, लिक्विडिटी और इनका लास्ट 24 आवर्स का वॉल्यूम भी देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। और अगर आप किसी भी पूल की डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और आपके सामने वो पूल जो है वो प्रॉपरली ओपन हो जाएगा। इनकी मार्केट वैल्यू जो है वो डेट वाइज जो है वो आपके सामने आ जाएगी, वॉल्यूम, फिर रिटर्न्स और प्रॉपर स्वैप फीस, पूल शेयर और इसमें कौन कौन से टोकन जो है वो इंक्लूडेड है वो भी आपको डिटेल में पता चल जाएगा। और अगर आप अपना नया पूल क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्रिएट अ पूल का ऑप्शन भी आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट अ पूल पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप टोकन जो है वो ऐड करते हुए स्वैप फीस आपको पता चल जाएगी यहाँ पे, और आप नए नए टोकन जो है वो ऐड कर सकते हैं। इनके आप वेटेज ऐड कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं 20% हो, ये 10% हो और जो बैलेंसर टोकन है वो भी 10% हो, तो आप यहाँ पे वेटेज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। किस अमाउंट के टोकन जो है आप डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आप अलग अलग पूल्स जो है वो क्रिएट यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो देखा कितना इजी था बैलेंसर को यूज करना। तो देखा था ना बैलेंसर काफी इजी टू यूज और काफी नए नए फीचर्स लेके आया है ये अपने क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड के यूजर्स के लिए, ताकि वो इन नए फीचर्स को यूज करते हुए जो है वो अपनी अर्निंग्स जो है और डबल कर सके। और इसके एडिशन में ही डिसेंट्रलाइज्ड और फ्री एक्सेस देता है बैलेंसर अपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में, जैसे कि डीफाई जो है यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस जो है वो प्राइमरीली ऑफर करता है काफी अच्छे रिटर्न्स जिन्हें फर्दर ऑप्टिमाइज किया जा सकता है थ्रू डिफरेंट प्रोसीजर्स। ऐसे ही एक प्रोसीजर लेके आता है बैलेंसर अपने यूजर्स के लिए और जो इनके रिटर्न्स होते हैं वो मार्केट रेट्स के इंटरेस्ट रेट से तो काफी ज्यादा ही जो है वो मिलते हैं। इनकी वीकली रिपोर्ट से आपको पता चल जाएगा कि इनका APY क्या चल रहा है और कैसे वो मार्केट के रिटर्न रेट से काफी ज्यादा है। ये रिटर्न रेट ज्यादा इसीलिए हो पाता है बिकॉज ये एकदम डिसेंट्रलाइज्ड है, यहां कोई मिडिलमैन नहीं है और इनकी एफिशिएंसी जो है वो हायर हो जाती है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ DeFi एप्लीकेशंस रादर देन इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। और ट्रेडिशनल फाइनेंशियल प्रोडक्ट से ये बेटर इसीलिए भी हो पाता है क्योंकि इनकी सर्विसेज जो है वो 24/7 जो है वो अवेलेबल रहती है। और DeFi स्पेस चाहे काफी यंग है, काफी नई है, लेकिन फिर भी इसकी प्राइस डिस्कवरी जो है वो चलती जा रही है, इनके टोकन्स के इंटरेस्ट रेट्स जो है वो चलते जा रहे हैं और हो सकता है आने वाले टाइम में ये और बेटर ही होंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज आपने बैलेंसर के बारे में कुछ नया सीखा होगा, कुछ नया जाना होगा। और अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा हो, आपको लगा हो कि आपने आज कुछ नया सीखा है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जब भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आए किसी भी रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट के बारे में तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ही पहुंचे। थैंक यू viewers for watching this video.